अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, यूट्यूब शॉर्ट से पैसा कमाने का नया एक तरीका आया है। बहुत से लोग हैं इसी तरीके से अर्निंग कर रहे हैं। चाहे आपके 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद से आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। आपके वीडियोस पे व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं। आपने अपना एक ब्रांड बनाना है, अपने नाम पे एक चैनल बना लें, उसके बाद आप यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो बनाते जाएं। जैसे ही आपके 10 से 15 हज़ार सब्सक्राइबर हो जाएं तो आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। कैसे होगी मुकम्मल इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत से लोग हैं इस तरह से अर्निंग कर रहे हैं, वो एडसेंस से नहीं अर्निंग करते बल्कि इसी तरह से ब्रांडिंग करके अर्निंग कर रहे हैं। कैसे करनी है? वो ऐसे करनी है, जब आपके 10-15 हज़ार सब्सक्राइबर हो गए उसके बाद आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे जाना है और उनसे कॉन्टैक्ट करना है, जो कि कोई फैशन से रिलेटेड चीज़ें सेल कर रही होंगी या फिर घर की चीज़ें होती हैं वो सेल करती हैं। जितनी भी वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, आपने उनसे कॉन्टैक्ट करना है, उनको बताना है अपने चैनल के बारे में और कहना है कि मैं मार्केटिंग करूँगा। उसके बाद आपने एक भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के 500 से 1,000 लेनी है। दिन की आप 2-3 भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर लें तो आप तकरीबन 3,000 रुपया अर्न कर सकते हैं। 2 से 3,000 कहीं नहीं गया। अब फ़र्ज़ करें कोई फेसबुक के ऊपर ब्रांड है जो कि जूते सेल कर रहा है और उसकी सेल नहीं हो रही, तो आप उसको कांटेक्ट करते हैं, बताते हैं कि मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं, इतने वीडियोस व्यू हैं, मैं वीडियो जब बनाता हूँ इतने व्यूज़ आ जाते हैं, आपकी मैं मार्केटिंग करूँगा। तो आपने वही शूज़ की मार्केटिंग करनी है, वो आपको सैंपल भेज देंगे और आपने उसकी मार्केटिंग करनी है। आपने वो पहन के दिखाने हैं, आपने ये बताना है कि ये शूज़ हैं, ये अच्छी क्वालिटी के हैं, कैसे हैं, सब डिटेल आपने मुकम्मल बतानी है। और इस तरह से इसी को मार्केटिंग कहते हैं। आप टिकटॉक देख लें, फेसबुक देख लें, यूट्यूब देख लें, जितने भी लोग हैं आजकल एडसेंस तो बहुत पीछे रह गए, लोग मार्केटिंग कर रहे हैं। थोड़े से सब्सक्राइबर होते हैं, 5, 10, 20 हज़ार, 1 लाख सब्सक्राइबर वाले तो 5, 5, 10 हज़ार रुपया लेते हैं। तो आप खुद सोचेंगे आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं। तो आपने भी इसी तरह से अर्निंग स्टार्ट करनी है। स्टार्ट करें, ज़ीरो से स्टार्ट करें। जैसे जैसे आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और आपकी अर्निंग भी बढ़ती जाएगी। आपने सिर्फ ये करना है, वीडियोस बनाते जाएं। जैसे ही आपके सब्सक्राइबर ज़्यादा हों, आपने फेसबुक पे, वेबसाइट्स पे, इंस्टाग्राम पे लोगों को कॉन्टैक्ट करना शुरू कर देना है और मुनासब आपने पैसे रखने हैं। जितने भी ये ऑनलाइन शॉप्स वाले होते हैं, ब्रांड्स हैं, ये लाखों रुपया एडवर्टाइजमेंट पे लगा देते हैं। एडवर्टाइजमेंट के बगैर कोई भी ऑनलाइन कारोबार नहीं चलता। आपको पहले से बता दूं, जितने भी लोग हैं ऑनलाइन कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मिसाल के तौर पे कोई भी शख्स है, उसने एक जूते का ब्रांड बनाया, कपड़े का ब्रांड बनाया, तो अगर ब्रांड बना लेगा तो ऑनलाइन लोगों को कैसे पता होगा कि ये ब्रांड है? तो ये लोग क्या करते हैं, एक तो फेसबुक एड्स चलाते हैं, गूगल एड्स चलाते हैं, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आजकल चीज़ें चल रही हैं वो ये है कि ये किसी ऐसे बंदे को कॉन्टैक्ट करते हैं जिसके अच्छे सब्सक्राइबर हैं, जिसकी फ़ैन फॉलोइंग है, चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, उसे वो कॉन्टैक्ट करते हैं और कहते हैं कि आप हमारी चीज़ को सेल करें, इसकी एडवर्टाइजमेंट करें, हम आपको इतने पे करेंगे। 20, 20, 50, 4 हज़ार रुपया लेते हैं एडवर्टाइजमेंट के। नंबर एक तो ये तरीका हो गया। एक और तरीका भी बता दूँ जो बहुत कम लोगों को पता है, कि किसी ब्रांड से वो कनेक्ट हो जाते हैं और वो जितनी सेल होगी 50-50 कर लेते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें मैंने कोई ब्रांड बनाया है, आपने कोई ब्रांड बनाया है, तो उसके बाद आप किसी ऐसे शख्स से जिसके फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा होंगी, सब्सक्राइबर, फॉलोअर्स, जिस सोशल मीडिया पे भी उसके ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, आप उससे कॉन्टैक्ट करेंगे, कहेंगे भाई मेरी ये प्रोडक्ट है, इसकी जितनी सेल होगी 50-50 हम करेंगे, आप इसकी एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट करें। तो वो शख्स क्या करेगा, वो डेली रूटीन में वीडियोस बनाता जाएगा, वीडियो के अंदर कोई ना कोई बता देगा ये चीज़ बहुत अच्छी है, आप इसको खरीदें, वो पहन के दिखा देगा ये चीज़ बहुत अच्छी है, आप इस वेबसाइट पे चले जाएं, इस स्टोर पे चले जाएं, इस चीज़ को खरीदें, तो सेल बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि आजकल जितने लोग हैं वो किसी ऐसी जगह से चीज़ लेने से बेहतर है, वो ज़्यादा लेते हैं, जो किसी शख्स को देखते हैं तो कहते हैं यार इसने पहनी है, इसके अच्छी लग रही है, मैं भी ये ट्राई करूँगा, तो ये सीन बहुत ज़्यादा चल रहा है। आजकल वक्त चेंज हो गया। तो इस तरह से आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं यूट्यूब शॉर्ट से। और यूट्यूब शॉर्ट से जो गूगल से अर्निंग होती है वो बहुत कम होती है। जितने भी लोग हैं वो ज़्यादातर इसी तरह से अर्निंग कर रहे हैं। सिर्फ वीडियो बनाने का ये मकसद है, आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, आप कोई भी चैनल बना लें अपना, अच्छा सा अच्छी वीडियोज़ बनाएं,
लोगों के फायदे के लिए बनाएं, लोगों को फायदा हो, लोग पसंद करें आपको, इंसान को दूसरे लोग उसी वक्त पसंद करते हैं जब वो अच्छे काम करें, अच्छी हरकतें करें। तो आप कोई अच्छा चैनल बनाएं, अच्छे टॉपिक भी बनाएं ताकि लोग देखें, उनके काम भी आए चीज़ें, और आपको दुनिया में भी फ़ायदा हो, आखिरत में भी हो। ये ना हो कि सिर्फ टाइम पास के लिए कोई ऐसा कंटेंट बनाए कि दुनिया में भी टाइम पास हो रहा है, या फजूल कंटेंट हो, किसी को नुकसान पहुंचे, तो हमेशा अच्छा बनाए। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफ़िज़।